हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यूट्यूब से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगी कि जो कि बहुत ही अमेजिंग है, और अगर आपके चैनल पर ना ही व्यूज़ आते हैं और ना ही सब्सक्राइबर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि आपकी कहीं ना कहीं कॉन्टेंट अच्छी नहीं है, ठीक है। या फिर आपकी कॉन्टेंट अच्छी होने के साथ साथ अभी जो लोगों की जो रिक्वायरमेंट है, अभी जो लोगों की एंटरटेनमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो शायद उनको नहीं मिल पा रही है, इसलिए आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आते, आपके वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आते, आपके चैनल पे सब्सक्राइबर गेन नहीं होते, ठीक है। जैसे कि आपको जो ट्रेंडिंग में चल रही है, ट्रेंड वाले टॉपिक आपको पकड़नी है, उसके बाद उसी के ऊपर थोड़ा रिसर्च करके आपको अपना आइडिया लगाकर आपको वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पर आ गई हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करूँगी अदनान, ठीक है, अदनान 07। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं अदनान 07 यहाँ पर लिख के मैं टाइप करूँगी ना, यहाँ पे देखिए ढेर सारी यहाँ पे वीडियोस आपको आ जाएंगी रोस्टिंग की। अभी क्या हो रही है ना कि ये जो वीडियोस है काफ़ी ट्रेंड पे चल रही है। अगर इससे रिलेटेड अगर आप कोई भी रोस्ट कर देते हैं या फिर आपको रोस्ट करने की आती है कि रोस्ट कैसे किया जाए, तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो ट्रेंडिंग में चल रही है, अभी देखो जो अदनान 07 है इनको अभी काफ़ी लोग रोस्ट कर रहे हैं, काफ़ी ट्रिगर्ड इंसान रोस्ट कर रहे हैं, काफ़ी ठग्स जो है वो काफ़ी रोस्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है। मेरा बस पर्पस यही है आपको बताने की कि जो ट्रेंड पे चल रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि रोस्ट वाले ही ट्रेंड पे चले, या फिर अभी जो कुछ दिन पहले जो ट्रेंड पे चल रही थी कि 4000 वॉच आवर कैसे कंप्लीट करें, ये काफ़ी एक सप्ताह तक काफ़ी ट्रेंड पे चल रही थी। फिर उसके पहले जो ट्रेंड पे चल रही थी कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे गेन करें इन 10 डेज, ये ट्रेंड पे चल रही है। तो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक आपको ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि जैसे अभी फ़िलहाल जो जैसे रोस्टिंग करें, अगर आपको रोस्ट आता है तो आप रोस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ठग इंसान को आप देख सकते हैं, 4 घंटे में 1.8 मिलियन इनका व्यूज़ हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या हो गया ना कि अभी जैसे रिसेंटली कल का ही बात है, इसका जो रोस्टिंग का जो चीज़ है काफ़ी उछल कर आ रहा है, क्योंकि ये जो अदनान जो है वो काफ़ी इंस्टाग्राम पे, पहले आपको आप लोग को पता होगा ये जो अदनान है ये टिकटॉक पे काफ़ी फेमस थे, ठीक है। अभी इंस्टाग्राम पे इनको इनके वीडियोस पे इतनी गाली मिल रही है, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि अब यूट्यूबर्स जो है इनको रोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। रोस्ट हालाँकि मतलब ऐसा नहीं कि इनको गलत बोल रहे हैं, इन्हीं के वीडियो में उनका बस कमी निकाला जा रहा है कि ये उनकी वीडियो पे क्या कमी कर रही है, कि कहीं कि इनका वीडियोस आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं कि इतनी मैं क्या ही बोलूँ, मैं एक यूट्यूबर होकर मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। छोड़ो, किसी को बेइज्जती नहीं करनी, बट मेरा यही मकसद है आपको समझाने की कि जो ट्रेंड पे चल रही है, अभी जैसे रोज ट्रेंड पे चल रही है, कुछ दिन पहले 4000 हुआ था, वर्क कैसे कंप्लीट करें, फिर अभी आएंगे कि अगर आपके चैनल पे व्यूज़ नहीं आते हैं, तो इस तरह से आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेंडिंग पे चल रही है, कौन सा भी ट्रेंडिंग पे वीडियोस लोगों को रिक्वायरमेंट है, फिर यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं अभी ट्रेंड पे भी चलेगी, ठीक है। फिर कॉपी पेस्ट वाली वीडियो कैसे बनाएं, ये भी ट्रेंड पे चलेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखो ट्रेंड पे कैसे चलती है, अब तो समझ में आ गया कि हालांकि ट्रेंडिंग आता कहाँ से, ट्रेंड पे चलती कैसे। देखो, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, जो ऑलरेडी यूट्यूब पे काफ़ी सालों से हैं, या फिर उनके चैनल पे काफ़ी मिलियन व्यूज़ हैं, काफ़ी मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उनके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज़ आते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, 20 मिलियन 30 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, अगर वो यूट्यूबर्स अगर किसी भी टॉपिक को उठाकर वीडियो बनाना शुरू कर दे, वो ट्रेंड बन जाती है, ठीक है। क्योंकि क्यों ट्रेंड बनती है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उतने ऑडियंस है, और वो ऑडियंस उतना देखेंगे तो यूट्यूब पे वही चीज़ रैंकिंग में आएगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप ये मनोज दे को देख लीजिए, आप अमरेश भारती सर को देख लीजिए, ये जो क्या है कि यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, और इन लोगों के जो टॉपिक्स होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं ना कि ट्रेंडिंग पे लेकर आते हैं। तो अभी जो फ़िलहाल जो भी आपको सर्च करना है, ट्रेंड पर सर्च करो ना। अगर आपको खुद ट्रेंड पे लेकर आना है, आप ऐसा करो कि ताकि आपकी वीडियोस देख के लोग
आपके वीडियो से सीख कर ट्रेंड पे ले आने की कोशिश करें, ठीक है। एक तो चीज़ मैं ये समझा दी आपको कि ट्रेंडिंग वाले वीडियो लेकर आओ, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेंडिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लोगों की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ लेकर आओ। अगर आप सिर्फ व्यूज़ चाहते हैं, सब्सक्राइबर चाहते हैं, तो आपको दोनों चीज़ों पर काम करनी पड़ेगी। एक तो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, दूसरा आपको जो लोगों की सच में जो रिक्वायरमेंट होती है वीडियो, वो टॉपिक आपको लेकर आनी है, ताकि जो भी आपके वीडियो देखते हैं उनको कभी निराश ना हो, कभी उनको कभी उन लोग डिसअपॉइंट ना हो, कि ताकि हाँ आपकी वीडियो को, आपके चैनल को जो सब्सक्राइब किया है, आपकी वीडियो पे जो अपना टाइम दे रहा है, उनको कभी निराश आप मत करिए। आपको जस्ट दिमाग लगाइए कि ट्रेंडिंग टॉपिक ढूंढनी है, ज़रूरी नहीं है कि रोज ही ढूंढो, आपको कोई भी ऐसे टॉपिक उठानी है जो लोगों की नीड हो। अगर आप कॉमेडी वीडियो बनाते हो तो लोगों की आप हंसाने वाले वीडियो ढूंढो ना, जो ट्रेंड पे चल रही है। अभी ट्रेंड पे कुछ दिन पहले ये चली थी, ये संजय दत्त की नहीं ऐसे वाला, फिर और एक थी ना ये वाह बेटा वाह मौज कर दी तूने, ऐसे वाले जो ट्रेंड पे जो मिमिक्स चलती है, मेमेस चलती है, वो ऐसे ट्रेंडिंग चीज़ होती है। तो इससे क्या होता है, लोग आपके वीडियोस पे काफ़ी इंगेज रहेंगे, आपके व्यूज़ आएंगे, और उन लोगों को अच्छा लगेगा आपके वीडियो में। जो 10 मिनट का जो वीडियो बनाते कब ख़त्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इस बीच क्या होगा कि आपकी व्यूज़ भी बढ़ेगी, ऐड भी आएगी, रेवेन्यू भी जनरेट होगी, और अगर आपका वीडियो सामने वालों को अच्छा लगे तो आपके चैनल में सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर को, अपनी फैमिली को यही बताना चाहूँगी कि देखिए मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ट्रेंडिंग वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही साथ आपको मेन पॉइंट भी काम करने की ज़रूरत है। मेन पॉइंट इन द सेंस कि जो लोगों की नीड रहती है वो, देखिए ट्रेंडिंग तो हमेशा तो नहीं होती ना, अभी जैसे ये ट्रेंड पे चल रही है, अभी देखना ना, अभी जैसे ये अदनान 07 अभी ट्रेंड पे आया ना, एक सप्ताह तक तो इसी पे बकवास होगी, इसी पे ही अभी ये चलती रहेगी, अदनान 07 का ये रोस्ट हो गया, इसने रोस्ट कर दिया, इसने रोस्ट कर दिया, अभी यही सच चलेगी। फिर एक सप्ताह बाद क्या करोगे, एक सप्ताह बाद फिर रोस्ट तो नहीं ना होगी ना। हर बार रोस्ट का मतलब क्या होता है, हर बार ट्रेंडिंग का मतलब, ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि काफ़ी दिन के बाद कुछ ऐसा टॉपिक उछल कर आया जो काफ़ी इन्हेंस होकर यूट्यूब पे छा गया, ठीक है। तो ये होती है कि कभी कभी आप ट्रेंडिंग वीडियो बनाओ जो कि आपको व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर आएंगे, और लेकिन अगर आपके चैनल पे आपको पकड़ बना के रखनी है, आपको सही में आपको चैनल पे ग्रो करनी है, तो बेसिक नीड पे वीडियो बनाओ। बेसिक नीड पे वीडियो बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो लोगों की सच में रिक्वायरमेंट है, जहाँ से लोगों को नॉलेज गेन हो, जहाँ से लोग सीख पाए, आपकी वीडियो से कुछ सीख पाए, उनको कुछ समझ में आए, ताकि आपकी वीडियो देखकर उनको कुछ अर्निंग हो पाए और अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आ पाए, ठीक है। एंटरटेनमेंट तो सही है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हो, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट उतना ही रखो जितना की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ आप लोगों को एक अच्छा पॉइंट दो, लोगों को एक अच्छा नॉलेज दो, ताकि लोग वहाँ से कुछ सीख पाए, वहाँ से अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ अर्निंग करके हेल्प कर पाए, ठीक है। तो व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ानी है तो ट्रेंड पे रिसर्च कर देना, ठीक है। तो ट्रेंड पे कभी कभी ट्रेंडिंग वीडियो भी बना देनी चाहिए। हालांकि मैं जस्ट ये 07 अदनान में इसलिए लेकर आई ताकि समझ में आए कि ट्रेंडिंग वीडियो भी बनाना काफ़ी ज़रूरी है। अभी देखो 4 घंटे में 1.8 मिलियन व्यूज़, ये जस्ट रोस्ट पे हो गया। अभी देखो 4 दिन में ये अभी 3,48,000 व्यूज़, क्यों, क्योंकि ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो इस तरह का वीडियो आप बनाओ, ट्रेंडिंग में रिसर्च करो, लेकिन बेसिक चीज़ को कभी मत छोड़ना। मैं बार बार यही कर रही हूँ, जो लोगों की नीड है, जिस वजह से आपके चैनल लोग देखते हैं, जो आप जिस टॉपिक से रिलेटेड आप चैनल पे बनाते हो, उस टॉपिक पे आपको ध्यान देनी है। तो दोस्तों मेरा बस बताने का यही मकसद है कि अगर आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आते ना कभी कभी, तो ट्रेंडिंग वाले टॉपिक उठाकर कभी वीडियो बना लिया करो यार, उससे व्यूज़ भी आएंगे और सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि ट्रेंडिंग तो पकड़नी है, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी पकड़ना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन साथ में आपको अपने वीडियो पे मेन पॉइंट पे भी काम करनी है, जो बेसिक नीड है, जो बेसिक नॉलेज है, जिस कारण आप यूट्यूब पे आए हो, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपने आए हो, जो अपने व्यूवर्स, अपने फैमिलीज और अपने सब्सक्राइबर को नॉलेज देने के लिए, कि ताकि वो भी यूट्यूब पे आए, अच्छा से कमाए और अपना हेल्प करें और अपनी फैमिली का भी हेल्प करें, ठीक है। तो कभी अपने बेसिक नीड को कभी छोड़ना नहीं है, कभी अपने मोरल को डाउन नहीं करना है, आप हमेशा अच्छे से वीडियो बनाएं और अच्छे से काम करें। और उम्मीद करती हूँ कि यह
थॉट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही घंटी के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैंने दो पॉइंट बताई हूँ मैं, तो एक ट्रेंडिंग और एक बेसिक नीड को, दोनों को बैलेंस बनाकर आपको चलनी है। अगर बैलेंस के साथ साथ मैं ये भी कहूँ कि बेसिक नीड को आप 70% रखो और ट्रेंडिंग को 30% रखो, ताकि ट्रेंडिंग क्या होती है ना, आपको इस चैनल को बूस्ट देती है जो यहाँ से सीधा ऊपर तक ले जाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।